हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स एक छोटे से टॉपिक के बारे में, दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कौन सी कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रीड विद रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आइए फ्रेंड्स, लॉ क्या कहता है इसको जानते हैं। लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 138 में, सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब इन रूल 13। रूल 13 में जो कंपनीज प्रेस्क्राइब की गई है उन कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है, जो या तो सीए होगा या कॉस्ट अकाउंटेंट। यहाँ पे सीएस नहीं है, राइट। एंड सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। और बोर्ड भी डिसाइड कर सकता है कि कौन बंदा इंटरनल ऑडिट करेगा। अब इस रूल 13 के अंदर लिस्ट दी हुई है कि कौन सी कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। लिस्टेड कंपनीज को अपॉइंट करना है, अनलिस्टेड कंपनीज को अपॉइंट करना है और प्राइवेट कंपनीज को अपॉइंट करना है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया देते हैं। इस क्राइटेरिया को समझने के लिए हम एक चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं फ्रेंड्स। आइए 38 रीड विद रूल 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज को अपॉइंट करना है इंटरनल ऑडिटर। अब वो कौन सी कंपनीज है जिसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है और इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है, वो भी इस रूल के अंदर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। सबसे पहले इंडिविजुअल जो हो, सीए हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, और पार्टनरशिप फर्म या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, इन तीनों में से कोई भी अपॉइंट हो सकता है फ्रेंड। और जो इंटरनल ऑडिटर है वो चाहे तो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है फ्रेंड्स, राइट। अब वो कौन सी कंपनीज है, सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज को तो अपॉइंट करना ही होता है फ्रेंड्स, राइट। उसके अलावा एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, सारी पब्लिक कंपनीज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को नहीं करना है, केवल जो इस क्राइटेरिया में फॉल करती है उन्हीं पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। पेड अप कैपिटल अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा अगर कंपनी ने लिया हुआ है, तो उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है फ्रेंड्स, राइट। अब प्राइवेट कंपनीज, हर वो प्राइवेट कंपनीज को भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है जो इस दो क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है वह 200 करोड़ या उससे ज्यादा अगर कंपनी का टर्नओवर है ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है 100 करोड़ या उससे ज्यादा, तब भी उस प्राइवेट कंपनीज को अपॉइंट करना है। सॉरी फ्रेंड्स, टर्नओवर एट एनी टाइम नहीं है यहाँ पे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर है, केवल लोन एंड बोरोइंग जो है वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अभी इस लिमिट को कैसे याद करें अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए, आप क्या कर सकते हैं, डीपीएलटी, राइट। इसको 25, 50, 100, 200, ये डबल हो रहा है, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 200 हो रहा है, D4 डिपॉजिट, पेड अप कैपिटल, लोन एंड टर्नओवर। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो कौन अपॉइंट हो सकता है। एक इंडिविजुअल भी अपॉइंट हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म भी अपॉइंट हो सकती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी अपॉइंट हो सकता है, जैसे कि हमने चार्ट में भी देखा था फ्रेंड्स। इंटरनल ऑडिटर क्या एम्प्लॉय हो सकता है कंपनी का, यस, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, क्या प्रैक्टिसिंग में हो चाहे ना हो, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। अब इसी रूल के सब रूल 2 में क्या लिखा हुआ है कि ऑडिट कमेटी और बोर्ड डिसाइड करेंगे विद कंसल्टेशन विद द इंटरनल ऑडिटर। क्या डिसाइड करेंगे, स्कोप, फंक्शन, पीरियड, मेथड ऑफ कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट, राइट फ्रेंड्स। अब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का कंपनी में एक प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, उसको समझते हैं फ्रेंड्स कि क्या स्टेप्स के द्वारा हम एक इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले कंसेंट लेटर लेते हैं एक इंटरनल ऑडिटर से, जो इंटरनल ऑडिटर प्रपोज्ड है उसे कंसेंट लेटर देंगे कि वो एलिजिबल है, राइट। उसके बाद बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट करेंगे, एमजीटी 14 फाइल करेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के लिए ये छूट है फ्रेंड्स, राइट। और दूसरा, हम इंटीमेशन दे देंगे, जब लास्ट में क्या होगा, जब अपॉइंट हो जाएगा तो उस जो अपॉइंट हुआ है इंटरनल ऑडिटर उसको इंटीमेशन लेटर दे देंगे फ्रेंड्स, राइट। कुछ कंपनीज है स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनीज,
वो कंपनीज पे ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब उनके आर्टिकल में ये लिखा हुआ होगा फ्रेंड्स, राइट। तो आज के लिए फ्रेंड्स इस सेक्शन में इतना ही, हम आपको फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।